गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारी पढ़ाई हुई जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स थे या बचे हुए जो भी क्वेश्चंस थे वो आपने अच्छे से लगाया होगा। अगर नहीं लगाया तो फटाफट लगा लीजिए। और उसके बाद मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के आगे के सम्स, ठीक है, आपकी बुक है आर एस अग्रवाल बुक, मैंने बेस लिया हुआ है आपको पढ़ाने का। मैं पूरे साल भर आपको यही पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आरडी शर्मा भी पढ़ाऊंगा। तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक बताया था आपको, आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज है 10। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी कौन सी 10। इसका मैं आज 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। लिखा हुआ है इफ टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो आपको शो करना है, शो दैट, वही सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे आप लगाते चले आए हो अभी तक। शो दैट क्या कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, है ना, ये आपको प्रूफ करना है क्या 7/5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो करना क्या है आपको पता है, वही मैंने फंडा जो हर बार बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो करना यही है कि जैसा आप देखते हो ये साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। तो टेन की बात करी गई, टेन दिया गया है, तो टेन का मतलब होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3 जैसा कि इसमें दिया गया है, और ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इतना होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगाऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया आपका 4 और बेस दिया आपका 3। आपको हाइपोटेनस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस का बेस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते चले जाइए। हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 25। हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा आपका 5, ठीक है। 5 निकल के आया, फटाफट हाइपोटेनस निकल के आया। तो इस ये निकलने के बाद मैं क्या करूँगा कि साइन और कॉस दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल लूंगा, ठीक है। तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा है 4, हाइपोटेनस है आपका कितना निकला अभी 5, ठीक है। साइन निकला है, कॉस निकाल लीजिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा मैंने बताया बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है आपका 3, ठीक है, और हाइपोटेनस अभी मैंने निकाला 5, ठीक है। तो ये 3/5 ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर करना क्या है, LHS लेना है हम लोगों को, ठीक। LHS में हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जो यहाँ पे निकाल ली है ऑलरेडी मैंने, ठीक है, वो यहाँ पे पुटअप करेंगे जो कि LHS में था, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 हो गया LCM, 4/3 यानी 7/5 जो कि आपका RHS हो जाएगा। फटाफट से देख लीजिए एक बार क्या किया मैंने, ठीक है। ना समझ में आया हो तो बताइएगा हमें कमेंट में, ठीक। इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 8/b शो दैट लिखा हुआ है a साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा है, और इसमें मुझे प्रूफ करना है क्या,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है मुझे। सिंपल सा वही चीज़, वही फंडा, दोबारा से दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है। साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी जो कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिया है, वो राइट एंगल ट्रायंगल लगाते हैं और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ये है आपका, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है ए। ठीक है, बेस आपका दिया हुआ है स्मॉल बी, हाइपोटेनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए का स्क्वायर प्लस का बेस का मतलब बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यानी हाइपोटेनस से अगर स्क्वायर उधर भेजे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू होगी। मुझे निकालना है साइन और कॉस। ठीक है, तो निकाल लेता हूँ। साइन थीटा होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये है आपका, हाइपोटेनस ये है आपका, हाइपोटेनस क्या निकला ये। ठीक है, तो निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो बेस आपका स्मॉल बी है और हाइपोटेनस यही है मतलब ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये। दोनों वैल्यू उठा के एलएचएस में पुटअप करेंगे जाके हम लोग एलएचएस। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए पहले क्वेश्चन उतार ले रहा हूँ। ठीक है, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए साइन की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का साइन लगाओ बी इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये ऊपर की बात हो गई, नीचे की बात करें तो ये भी सेम है, खाली साइन आपका क्या है यहाँ पे चेंज है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो वही वैल्यू फटाफट वही वैल्यू उतार लेते हैं हम लोग, ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ओके, फिर प्लस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा एक चीज़ और देखें, ये दोनों एलसीएम ले रहे हैं फटाक से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए एलसीएम लेने के बाद ये आपस में देखो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, और दो चूंकि सेम एलसीएम है तो ऊपर का कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस लगा हुआ है माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में। नीचे देखो, नीचे भी वही चीज़ होगी, ये एलसीएम अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर ये एज इट इज ऐसे बचे रहेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये देखिए सेम कट गया, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जो कि आपकी वैल्यू ये निकली, देखिए आर एच एस हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड लगाना था, कैलकुलेशन करना था, और कुछ नहीं। देखिए 19 के बाद में 20 देखिए, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, तो शो दैट आपको दिखाना है, यहाँ पे क्या दिखाना है, शो दैट 4 cos थीटा, 4 cos थीटा माइनस का अपॉन 2 cos थीटा प्लस का साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, तो 4 cos थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस का साइन थीटा ये दिया गया है, इसके इक्वल में मुझे प्रूफ करना है 4/5। ओके, तो क्या करना है, वही स्टेप बार बार वही स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ देखिए जरा, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा इक्वल टू 4/3। वापस से हम लोग चले जाते हैं इसमें
ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3, जिसके इक्वल्स में आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, बेस आपका 3 हो जाएगा। हाइपोटेनस आपको निकालना होगा, क्वेश्चन मार्क तो लगा दीजिए, वही फंडा वही फार्मूला, क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका, 4 का स्क्वायर, बेस कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 16 प्लस का 9, ठीक है 25, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, अंडर रूट का 25 और एच इक्वल टू 5, ठीक है, हाइपोटेनस 5 आ गया। मुझे कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू, अभी मैंने बताया क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका 3 है अपॉन हाइपोटेनस आपका 5 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 4 है, हाइपोटेनस आपका 5 है, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, LHS लेके कैलकुलेट कर लीजिए, LHS, LHS में पूरा क्वेश्चन मैं उतार दूंगा, पहले माइनस का साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस का साइन थीटा, ओके, तो 4 cos की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 3/5, माइनस साइन की वैल्यू क्या निकाली, 4/5 अपॉन में 2 cos की वैल्यू 3/5 माइनस 4/5, कैलकुलेट करिए, 4 3 12, 12, यानी 4 3 12 हो जाएगा आपका, 12/5 माइनस का 4/5, ओके 3 2 6/5 माइनस का 4/5, ठीक है, इतना समझ में आएगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं, एलसीएम लेंगे इसमें भी और इसमें भी, सेम सेम वैल्यू एलसीएम हो जाएगी, 5 इसमें भी एलसीएम होगा तो ऊपर 12 और 4 दोनों ही बचेंगे एज इट इज, तो 12 माइनस का 4, ठीक है, ऐसा इसमें भी करेंगे तो यहाँ पे भी 5 बचेगा और 6 माइनस का 4, 5 से 5 कट गया ऊपर आएगा, 12 माइनस का 4 करेंगे क्या आ जाएगा, 8 4 12 होता तो 8 आ जाएगा और 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए, एक वैल्यू प्लस है यहाँ पे, देखिए ये वैल्यू प्लस है, ठीक है ये प्लस है, तो प्लस करने पर ये 6 4 10 यानी 10 हो जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, आंसर क्या आ गया आपका, 4/5 RHS, ठीक है। इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 2, शो दैट फोर साइन थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस का सिक्स cos थीटा इक्वल्स टू 1/3, ठीक है, तो करना क्या है हम लोगों को, ये प्रूफ करना है, 1/3 cot थीटा दिया गया है, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, नेक्स्ट 2/3 हो जाएगा, आप ये लगाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, तो क्या करना है, ये हो जाएगा आपका कॉट है, कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, फिर क्या करना है हम लोग को, वापस से वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर आपका है 3, बेस कितना है 2, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का बेस आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है 13 हो जाएगा, और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 13, हाइपोटेनस की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है, तो हाइपोटेनस आपका निकलने के बाद साइन और कॉस तुरंत निकाल लीजिए फटाफट, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपका 3,
हाइपोटेनस है आपका अंडर रूट 13। ठीक है, कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 2, हाइपोटेनस कितना है आपका अंडर रूट 13। ठीक है, तो 4 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा अपॉन ये LHS उतार रहे हैं। ठीक है, LHS लिखने के बाद प्लस का 6 कॉस थीटा। ओके, LHS लिख लीजिए, 4 साइन की वैल्यू कितनी आई थी, 3 बाई अंडर रूट 13 माइनस का 3 इंटू, कॉस की वैल्यू कितनी आई थी, 2 बाई अंडर रूट 13। देखिए साइन और कॉस की सेम वैल्यू रहेगी, बस ये वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पे लाके हम लोग साइन की वैल्यू लिखेंगे, ये 3 बाई अंडर रूट 13 प्लस का 6 इंटू 2 बाई अंडर रूट 13। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 3 12, 3 2 6, और नीचे जो है अंडर रूट का 13 एलसीएम हो जाएगा, अंडर रूट का 13 एलसीएम 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और प्लस का 6 2 12 हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 13 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये कट जाएगा। ऊपर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 6 12 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 6 1 6 6 3 18, 1/3 RHS आ गया कि नहीं, प्रूफ करने वाला। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था, कुछ नहीं है, सिंपल है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग फटाफट क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4, तो शो दैट, आपको शो करना है। ठीक है, शो दैट क्या शो करना है, 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इक्वल्स टू का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप बड़ी क्लास यानी फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो आप ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, एक्चुअली में ये फॉर्मूले होते हैं, और ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का। ठीक है, ये दोनों ही आपके cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, मैं अभी इसे ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि ऐसे ये दोनों आपके cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपल मेथड से कर रहे हैं। क्या करना है हमें, जो भी बेसिक मेथड है हमारा उसी मेथड से कर रहे हैं। cot थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, cot का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot थीटा इक्वल टू 4/3 इक्वल टू, यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं, जगह क्यों वेस्ट करूँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे फटाक से, बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेनस आपका क्वेश्चन मार्क है, निकाल लीजिए। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ये तो फार्मूला है ही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे आपका 3 दिया गया है, बेस आपका 4 दिया गया है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये 3 3 9, 4 4 16, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट का 25, और हाइपोटेनस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये 5 आ गया आपका, फटाफट देख लीजिए, 5 आ गया हाइपोटेनस। LHS उतारते हैं, वहां पे रख देंगे, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 की वैल्यू निकालेंगे, 10 थीटा, कॉट का उल्टा होता है 10 थीटा, तो कॉट यहाँ पे दिया गया है, इसको फटाक से उल्टा कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे चाहे तो आप न लगाइए, इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉट दिया है हमारा, तो कॉट का सीधा उल्टा करके हम लोग 3/4 करके निकाल सकते हैं। ठीक, कॉट का उल्टा कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा, 10 की वैल्यू सीधे LHS में रख देंगे, तो यहाँ पे ये आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, मैंने बाद में देखा कि कॉट वैल्यू दी गई थी। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा, यहाँ पे आप ये मत निकालिए, सीधा सीधा निकलना है, कॉट को सीधे अपोजिट कर दीजिए, 3/4 हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, निकल आएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा अपॉन का 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस का 10, 10 की वैल्यू क्या है, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
3/4 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो 1 माइनस का 3 3 9 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 9 अपॉन 16, ये एलसीएम ले लीजिए और ये एलसीएम ले लीजिए, ऊपर भी नीचे भी सेम 16, दोनों में ही 16 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 माइनस का 9 हो जाएगा अपॉन कर देंगे 16 आ जाएगा, 16 प्लस का 9 हो जाएगा, 16 से 16 कट गया, ऊपर 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16 होता है, 7 आ जाएगा, तो 7 और ये है 25 हो जाएगा, 7/25। अच्छा, 7/25 आएगा, और यहाँ पे कॉट की वैल्यू ये दी गई थी, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों साइड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कॉट की वैल्यू दी गई, यहाँ पुट अप किया 7/25 आया। ठीक है, उसके बाद आरएचएस को भी ले लीजिए, आरएचएस भी लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या होता है। आरएचएस ये आपका यहाँ से हो गया, ठीक है, आरएचएस लेके चलते हैं, देखिए फटाफट। अगर आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा तब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालना चाहूंगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का मतलब 4 और हाइपोटेनस का मतलब है कहाँ गया, ये ठीक 5। साइन की भी वैल्यू निकाल ले हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका 3, हाइपोटेनस कितना है आपका कहाँ गया, ये 5। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे आरएचएस में, आरएचएस आपका दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू देखिए मैंने निकाली 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस का 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 चौके 16 या 4 4 16 20/25, 3 3 9/25। ठीक है, दोनों ही कैलकुलेट हो जाएंगे, 25 नीचे हो जाएगा और ऊपर 16 माइनस का 9 हो जाएगा, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, 7 आ जाएगा, 7/25 ये आर एच एस हो गया। देखिए दोनों ही वैल्यू बराबर आ गई, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को दोनों साइड से सॉल्व किया है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से सॉल्व नहीं करेंगे तो आएगा नहीं।